ये अपने कर्तव्य से जागरूक रहे, समय पर स्कूल आवे और समय पर स्कूल बंद करे और बच्चों को अच्छी शिक्षा के प्रति लगाव रुचि और यह सम्मान समारोह ये शिक्षक अपने मन से खुश होकर दे। शिक्षक के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको और क्या शिक्षा के क्षेत्र जैसे अपने कर्तव्य पर वो कर्तव्यनिष्ठ रहे और पढ़ाई में कम से कम बच्चों पर जाते से ज़्यादा ध्यान दें, साफ सफाई पर ध्यान दें और COVID-19 अभी चल रहा है उसका अति किया पालन करते हुए। क्या नाम हो आपका सर? किशोर कुमार सिन्हा। आज सर का विदाई हो रहा है, इसलिए सर क्या यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा यह सब कैसे आप लोग अपने किए कि इनके तरफ सहयोग से किया गया? नहीं सर, ये इनका जो है मेरे विद्यालय में विश्वविद्यालय का ही शिक्षक हूँ और मेरे विद्यालय में इन्होंने 9 साल अपना सेवा को दी और ये ईमानदारी से अपने बच्चों को अपने विद्यालय के प्रति सजग रहे, तो इनका जो कर्तव्य था इन्होंने निभाया। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है, जो आदमी जो व्यक्ति शिक्षा विभाग में 9 साल 10 साल और दूसरे के विद्यालय में 20 साल तक सेवा दी है, तो अभिदम अपनी निष्ठा के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने स्कूल के समय आने के प्रति इतना निष्ठावान हो आदमी, उनका जो हम लोग का भी एक शिक्षा का कर्तव्य होता है उनका सम्मान, तो इनके बिना सहयोग से हम अपने विद्यालय के ही शिक्षक के सहयोग के 2-4 शिक्षक मिलकर ही एक पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज की और इनका मान सम्मान देने का काम किया। क्या नाम है सर? मैडम शंभू शरण की जयपुर का इस पंचायत शिक्षक हूँ, इस विद्यालय में हम 2003 से उपस्थित हैं। चलिए विदाई सम्मान समारोह इनकी कमी खमेगी सर, इसलिए क्या कहना? किसी भी शिक्षक के सेवानिवृत्ति के बाद उस विद्यालय में एक सुनापन आता है, क्योंकि किशोर जी के द्वारा जो व्यवहित किया गया शिक्षकों के बीच में, छात्रों के बीच में, वो अनुकरणीय रहेगा और इनके मूल्यों और सिद्धांतों को यहाँ के कनीय शिक्षक आगे बढ़ाएंगे पठन पाठन में और विद्यालय प्रबंधन में। बिहार आरक्षित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव और जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, इनके सेवानिवृत्ति के बाद इनके सारे सेवांत लाभ के लिए किसी बिना परेशानी के संगठन करवाएगा और आगे सभी इस तरह के कार्यक्रमों में संगठन की भूमिका होगी कि शिक्षक एकजुट हो और शिक्षा के प्रति जागरूक हो। ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं इस विद्यालय के माध्यम से और विदाई समारोह के माध्यम से कि शिक्षकों का सम्मान शिक्षकों के बीच में ही सुनिश्चित की जाएगी और शिक्षकों के द्वारा, और इससे आगे नए शिक्षकों को उत्साह भी मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्रों में बल मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं मनोज कुमार, जिला सेक्रेटरी, बिहार आरक्षित प्रारंभिक शिक्षक संघ पटना।